हेलो सूर्या टूरिज्म फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें। साथियों बात करेंगे आज मलेशिया के बारे में। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, वहाँ का वेदर कैसा है, कल्चर कैसा है, वहाँ की कैपिटल क्या है, कौन कौन से एरिया वहाँ के डेवलप हैं, अनडेवलप हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगी। भले ही आप जॉब करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, इस वीडियो में जो है आपको ए टू जेड डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप अपना कीमती टाइम सूर्या टूरिज्म को दे रहे हैं उसका प्रॉपर सदुपयोग कर सकें। साथ ही साथ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब बात करते हैं साथियों मलेशिया के बारे में। मलेशिया जो है साथियों एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो 31 अगस्त 1957 को ब्रिटेन से मतलब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। और मलेशिया जो है साथियों अपना लैंड बॉर्डर जो है बुर्नई इंडोनेशिया थाईलैंड के साथ शेयर करता है, और मरीन टाइम जो बॉर्डर है मतलब समुद्री एरिया जो है अपना और जो बॉर्डर शेयर करता है वो है सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस। कुल मिला के 6 देशों के साथ जो है मलेशिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। मलेशिया की कैपिटल सिटी साथियों कोलालंपुर है और यही यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। अगर टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करूँ साथियों मलेशिया की, तो 3,38,71,431 टोटल पॉपुलेशन है जब मैंने ये वीडियो बनाया उस दिन तक की। अगर इनमें से मैं अगर बात करूं तो मलेशिया में साथियों लगभग इस पॉपुलेशन में से 29 लाख इंडियन रहते हैं, मतलब 29 लाख वहां पे टोटल पॉपुलेशन जो है उनमें से इंडियन लोगों की है। अगर डेंसिटी की बात करें तो मलेशिया साथियों बहुत बड़ा एक देश है, जिसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है बाई लैंड जो है 66 रैंक है, और डेंसिटी के हिसाब से वहाँ पर 98 लोग एक किलोमीटर एरिया में रहते हैं। मलेशिया के जो लोकल लोग हैं साथियों उनको भूमिपुत्र कहा जाता है, और अगर एथनिक ग्रुप मतलब के अनुसार, जैसे एथनिक ग्रुप के हिसाब से मैं बात करूं तो वहाँ कौन लोग ज़्यादा रहते हैं, तो भूमिपुत्र जो मलेशियन लोकल लोग हैं वो हैं 69.3% मतलब 69.3%। इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे साथियों 6.9% है मतलब 6.9%, लगभग 7% आप बोल सकते हो। चाइनीज़ वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जो लगभग 22.8% मतलब लगभग आप 23% के आसपास जो है चाइनीज़ लोग रहते हैं। अदर जो लोग हैं वो 1% है, और 1.9% ऐसे लोग हैं जिनको वो कोई धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। मलेशिया में जो सेक्स रेशियो है साथियों वो 106 आदमियों पे 100 लड़कियां हैं, मतलब 6 लड़के वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो मींस सेक्स रेशियो वहाँ पे मेल का ज़्यादा है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो साथियों भाषा मलेशिया वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके बाद वहाँ पे चाइनीज़, इंग्लिश, तमिल एंड हिंदी बोले सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ये 5-6 लैंग्वेज हैं। मलेशिया के 5 बड़े शहरों की बात करें तो साथियों कोलालंपुर, जॉर्ज टाउन, इफो, जोर बारू और मलाका सिटी, ये 5 यहाँ के सबसे बड़े शहर हैं। अगर रिलीजन के बाइज अगर हम बात करें कि धर्म के अनुसार वहाँ पे जो लोग हैं कितने लोग रहते हैं, तो साथियों 63.5% वहाँ पे लोग जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं। 18.7 मतलब 18.7% जो लोग हैं वो बुद्धिज़्म हैं। 9.1% जो है क्रिश्चियन हैं। 6.1% जो है हिंदू हैं। 0.9% जो है अदर कम्युनिटी के लोग हैं, और 1.8% ऐसे लोग हैं वो किसी भी धर्म को जो है फॉलो नहीं करते हैं। मलेशिया की ऑफिशियल करेंसी साथियों जो लिखने में उसको म्यांमार बोलते हैं, MYR मलेशियन रिंगिट उसको बोलते हैं, और वैसे उसको लोग रिंगिट बोलते हैं। अगर रिंगिट को हम इंडियन में कन्वर्ट करें साथियों, तो जो है एक मलेशियन रिंगिट एज मैंने जो आज वीडियो बनाया इसके अनुसार जो है लगभग 19.35 रुपये है। रेड जो है अप डाउन होती रहती है। मलेशिया का कॉलिंग कोड साथियों +60 मतलब +60 है 60। अगर मलेशिया जो है साथियों वो 13 स्टेट्स और 3 टेरिटरी से मिलके बना है, मैं आपको बताता हूँ वो 13 स्टेट कौन से हैं और उनकी कैपिटल कौन सी है। जोहोर ये एक स्टेट है, और जोहोर बारू यहाँ की कैपिटल है। केदा, केलातान, मलक्का, निगरा सिलम्बान, पहांग, पिनांग, पिराग, पिरलिस, सेलंगूर, साबा, सारावाक और तेरान सानू, ये यहाँ के 13 स्टेट्स हैं। जैसे कुचिंग है, कोटा बारू है, सा आलम है, कलंगार है,
क्वाला तिरंग है, ये सब इनकी जो है आपको, ये इनकी यहाँ की कैपिटल है। जैसे जोर बारू है, जोर है उसकी जोर बारू कैपिटल है, केदा की जो है अलार सेक्टर है, केलांतान की कोटा बारू है, मलक्का की मलक्का सिटी है, सेलुंगर की जॉर्ज टाउन है और पारा की इफो, ये जो है यहाँ की इनकी कैपिटल्स हैं। फेडरल टेरिटरी की अगर मैं बात करूँ तो फेडरल टेरिटरी यहाँ की तीन है, फेडरल टेरिटरी कोलालंपुर, फेडरल टेरिटरी लुबोआन, फेडरल टेरिटरी पुत्रजाया, ये यहाँ की तीन जो है टेरिटरी सिटी हैं। मलेशिया जो है साथियों 66वां, मैंने पहले भी बताया 66वां दुनिया का बाई लैंड जो है सबसे बड़ा देश है, और मलेशिया जो है 36वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है साथियों, जो दुनिया की 36 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मतलब ये 36वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। अगर वेदर की बात करें तो मलेशिया में जो है साथियों 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बाकी एवरेज यहीं पर होता रहता है, और बारिश यहाँ पर कभी भी आ सकती है। तो जब भी आप बिजनेस करने जाएँ, घूमने जाएँ, तो आप रेनकोट या छाता जरूर कैरी करें, क्योंकि बारिश हमेशा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं साथियों, मलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल कहीं बनता है तो वो मलेशिया में बनता है। मलेशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया का जो सबसे लंबा ब्रिज है साथियों, वो मलेशिया में है, और मलेशिया का जो पेट्रोन्स टावर है साथियों, 1958 से लेकर 2004 तक वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जिसकी लंबाई जो है 451.9 मीटर है। मलेशिया का नाम का मतलब अगर मैं बताऊं तो साथियों, मलेशिया के नाम का मतलब है लैंड ऑफ द मलय, मतलब ये मलय लोगों का देश है। और दुनिया का सबसे बड़ा चौराहा जो अगर मैं बात करूं तो राउंड बोर्ड जिसको बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चौराहा जो 3.5 किलोमीटर बड़ा है, वो जो है वो मलेशिया के शहर में है, जो उसके बीच में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पार्क वगैरह सब कुछ है, इतना बड़ा चौराहा है। इंडिया में जैसे छोटे छोटे चौराहे होते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा चौराहा जो है साथियों, वो मलेशिया में ही है। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट मलेशिया के बारे में। अगर जो लोग जॉब करने जा रहे हैं तो भी बेस्ट कंट्री है साथियों, सैलरी अच्छी बनती है। बाकी मैं मलेशिया के ऊपर मेरे पर्टिकुलर जो है मंथली 3-4 वीडियो आते ही रहते हैं, तो आप सूर्या टूरिज्म को सब्सक्राइब करके रखना। बिजनेस पर्पज़ से जा रहे हैं तो कोलालंपुर, पिनांग, जोर बारू, सारावाक, ये यहाँ के सबसे डेवलप्ड सिटी में से एक हैं, आप बिजनेस यहाँ देख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर चिप वगैरह होती है, आईटी के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, वो दुनिया में जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक कंट्री है। आगे बाकी क्लोथ्स व देखो, मलेशिया में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तभी ये देश 1957 इंडिया से 10 साल बाद आज़ाद होके जो है इतना ग्रो कर गया, जो आज एक वहाँ की रिंगिट इंडिया के लगभग 20 रुपए की बन रही है, तो डेफिनेटली एक अच्छी कंट्री होगी। और 2000 जो था 98-95-2010 तक मलेशिया का पूरा एशिया के अंदर बोलबाला था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिस्टम करप्ट होने की वजह से थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन अभी एक बार जो है फिर ये कंट्री उभर के आ रही है। तो इसलिए सूर्य टूरिज्म को सब्सक्राइब करके रखना साथियों, आपको ए टू जेड कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के जो है वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।